तो कैसे हो अंडमान वासियों? आज सुबह सूरज के भी उठने से पहले मैं उठकर तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने YouTube पे मांडू का महल देखा था और आज मुझे वहां जाना है, तो ऑनलाइन बस के टिकट करा के आज जा रहा हूँ मैं इंदौर। सुबह सुबह भोपाल की खाली सड़कों से निकलकर पहुंचा मैं 10 रुपए वाले ऑटो के अंदर। ऑटो से उतरा मैं भोपाल जंक्शन में वर्मा ट्रेवल्स के इलेक्ट्रिक बस के ऑफिस में। वहां से लेने आई मुझे एक पिकअप वैन जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक नहीं थी। पिकअप वैन पे मैंने और मेरे बैग ने 8 बजने का इंतजार किया क्योंकि यहां से डिपार्चर टाइम 8 बजे का था। फाइनली मैंने देखा मेरे अलावा एक और इंसान ने भी इंदौर जाने के लिए इस पिकअप पॉइंट को चुना था। हम दो लोगों को लेकर हमारा पिकअप वैन चल दिया हमें हमारे लग्जरी इलेक्ट्रिक बस पे ड्रॉप करने को। पिकअप वैन हमें ड्रॉप करके चल दिया वापस और हम वेट करने लगे वर्मा ट्रेवल्स के लाल घाटी वाले ऑफिस के सामने। फिर हमारे सामने आया वॉल्वो का चार्टर्ड बस जो ऑब्वियसली हमारी नहीं है, हमारी तो इलेक्ट्रिक बस है, ये बस तो धुआं फैलाती है। और फाइनली स्लो मोशन में एंट्री ली हमारे मेन हीरो ने वर्मा की न्यू गो इलेक्ट्रिक बस। इसके सामने तो चार्टर्ड भी फीका लग रहा था, लगे भी क्यों ना 2.5 करोड़ की बस जो ठहरी। फिर अपने सामान को बस के डिक्की में रखकर मैं चल दिया बस के अंदर बस का लुफ्त उठाने के लिए। बस में चढ़ना काफी आसान था क्योंकि बस की सीढ़ी काफी नीचे थी। बस का जब ड्राइविंग कंट्रोल देखा वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में था ऑब्वियसली क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बस थी और यहाँ पे काफी फंक्शंस थे जिसको छोड़कर मैं अपने सीधे सीट की ओर चल दिया। बस जो है वो काफी अच्छी खासी लंबी लग रही थी और उसके सीट देखने में तो कंफर्टेबल लग रहे थे, तो मैं सीधे पहुंच गया अपने सीट 8D में। देखा तो बस में पर्दा लगा हुआ था और सीट जो है वो प्लास्टिक कवर में था मगर काफी कंफर्टेबल था। बस के मिरर के बीचों बीच घड़ी लगा हुआ था और घड़ी टाइम बता रहा था कि अभी बस छोड़ने वाला है। बस के छोड़ते ही कॉम्प्लीमेंट्री में मिला हमें एक पानी बोतल और मैं हेडफोन लगाकर बैठ गया बस की जर्नी इंजॉय करने। तभी बस वालों ने मुझे ये फेशियल वाइप्स दिया, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं आज बिना नहाए बस में चढ़ गया हूँ। फिर भोपाल की तंग और भीड़ भरी सड़कों से निकलकर हम पहुंचे खुली खुली सड़कों पे जहाँ बस ने अपनी स्पीड पकड़ी 76 किलोमीटर पर आवर और इस बस की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है। फिर सैड सॉन्ग सुनते सुनते फील हुआ कि मेरी जिंदगी की तरह बस की इस जर्नी में भी मेरी बगल वाली सीट खाली ही पड़ी है। फिर पहुंचे हम पहले टोल गेट के अंदर जहां स्पीड के मजे लेते हुए खो गया मैं जर्नी में। जर्नी का मजा लेते लेते देखा मैंने 2 घंटे पार हो चुके हैं और घड़ी में 10 बज चुके हैं और अब तक मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया था और मैं वेट कर रहा था कि बस कब अपने स्टॉप पे रुकेगा और हम चाय पियेंगे। फाइनली बस पहुंचा अपने स्टॉप पे और लोग कूद पड़े बाहर जाने को। मैं भी ड्राइविंग सीट को देख के ललचाते हुए उतर ही गया बस से नीचे और ये खड़ा हमारे सामने हमारा प्यारा न्यू गो बस। फिर मैंने सोचा आपको डीपली बस को दिखाता हूँ और शुरू हो गया कैमरा लेकर बस की वीडियोग्राफी करने। ये बस के टायर्स जो काफी नीचे है, ऐसा इसलिए नहीं कि बस नीचे है, ये इस बस के अंदर ऐसा सिस्टम है कि ये बस नीचे और ऊपर अपने सस्पेंशन को कर सकता है। बस की खिड़कियां देखे तो ये चार्टर्ड बस की तरह ऊंची नहीं है मगर काफी अच्छा ऊंचा फील देती है। पीछे से भी बस एक प्रीमियम लुक देती है, ये पीछे से काफी ऊंची दिखती है। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे भोपाल से इंदौर जाने का जो उसका जो एड्रेस है वो
लिखा होता है। बस इस साइड से काफ़ी खूबसूरत दिखती है क्योंकि इसकी खिड़की जो है वो पूरी तरह से कांच से कवर है। हम बस के अंदर जाने के लिए देखते हैं कि जो सीढ़ी है वो काफ़ी नीचे आ जाती है इसका सस्पेंशन के थ्रू। अब हम इसके अंदर जाकर देखते हैं तो फर्स्ट हम ड्राइविंग सीट देखेंगे। चढ़ते ही हमें ड्राइविंग सीट दिखाई देता है। ड्राइविंग सीट जो है वो नॉर्मल है काफ़ी, और यहाँ पर देखें तो काफ़ी सिस्टम्स दिए हुए हैं। नीचे देखें तो सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर दिए हुए हैं और स्टेयरिंग है। टोटली जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से चलता हुआ है। काफ़ी स्विचेस दिए हुए हैं। इसका काम क्या है वो तो मुझे नहीं पता। ऊपर जो है वो एसी क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ था और अभी बस पूरी खाली है तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये बस। एक प्रीमियम लुक दे रहा है अंदर से भी। पूरी की पूरी डिलेक्स बस है ये, स्लीपर नहीं है। इसके जो सीट्स है वो प्लास्टिक कवर पे ही आते हैं। और आप यहाँ पे सीट्स का क्वालिटी देखिए, अगर उस तरफ देखते हैं तो सीट काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है और बस काफ़ी अंदर से बड़ा है। इस बस की खासियत यह है कि ये चलती है तो थोड़ी भी आवाज़ नहीं करती, यहाँ तक कि इसका एसी का भी आवाज़ नहीं आता है। तो अगर आप सोकर जाना चाहते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी देती है ये। ये ज़्यादा जो रास्ते पे कुदाता भी नहीं है, जंप भी नहीं करता है। और यहाँ पे हम नीचे उतर के अपने बस का एक पूरा लुक लेंगे। ये हमारा होटल और इस होटल के सामने हमारा ये सुंदर सा इलेक्ट्रिक बस। बस की वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आया मैं तो चाय पीना भूल ही गया, तो मैं जल्दी से गया इस बड़े से होटल के अंदर। वहाँ जाकर गया मैं सीधे चाय के स्टॉल चाय पीने के लिए, मगर वहाँ से पता चला कि यहाँ से सीधे चाय नहीं मिलती, पहले मुझे इसके लिए टोकन लेना पड़ेगा। तो मैं चला गया सीधे टोकन वाले भैया के पास और ये 15 रुपये का टोकन लेकर मैं चला चाय पीने को। चाय देखकर तो काफ़ी चीप क्वालिटी लगा मगर पीने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। जल्दी से अपनी चाय खत्म कर मैं चला वापस अपने बस की ओर क्योंकि टाइम होता जा रहा था। फिर बस के अंदर बैठकर कर दिया हमने रेस्टोरेंट को बाय बाय और बढ़ चले आगे इंदौर की ओर। फिर हम पहुंचे इंदौर के अपने पहले स्टॉप पे जहां काफी पेड़ पौधे लगे हुए थे और वहीं से मैंने अपनी सीट बदल के सामने आकर बैठ गया। फिर थोड़ा सा लुप्त लिया मैंने ड्राइविंग का कि ये बस को ड्राइव कैसे करते हैं। फिर थोड़ी दूर चलकर हम आ गए मेन सिटी के अंदर और मेन सिटी की संकरी सड़कों को पार करते हुए हम पहुंच गए न्यू गो के बस के चार्जिंग पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक बस के साथ हमारा साथ यहीं तक। अब आगे हमें लेकर जाएगा पिकअप वैन। बस से अपना सामान उतार कर न्यू गो बस को बाय कर हम चल दिए सरवटे यानी मेन बस स्टैंड जाने वाले पिकअप वैन पर। और बैग पे लगा ये बैच मुझे प्लेन से उतरा वाला फीलिंग दे रहा है। और फाइनली पिकअप बस में 10 मिनट की जर्नी के बाद मुझे पहुंचा दिया पिकअप वैन ने सरवटे बस स्टैंड। वहां से उतरकर मैंने थोड़ा सा सरवटे बस स्टैंड देखा और वहीं आगे जाकर एक होटल में ले लिया मैंने एक रूम जिससे मुझे पूरा का पूरा बस स्टैंड दिखाई देता है। आज सुबह की जर्नी से मैं काफी थक गया हूं और यहां ये बिस्तर भी मुझे बुला रहा है, तो थोड़ा सा आराम करके मैं निकलूंगा आगे की जर्नी में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना।